हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल जो है जिसमें हम मनोरुग्ण को और व्यसनी जो है, नशा वाले लोग जो है, उनको हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं। और दूसरा एक हॉस्पिटल है कि जहाँ हम बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं। हमारे पास में काफ़ी सारे मेंटल पेशेंट्स जो आते हैं, उसके बारे में एक मैनिया की जो बीमारी है, तो वो बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैनिया को हर्षवायु बोलते हैं, मैनिया ऐसा भी उसको बोला जाता है, या मूड डिसऑर्डर का एक प्रकार है। 7 लक्षण उसके मेन हैं और 7 लक्षण में से यदि 3 लक्षण 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक दिखाई देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो मैनिया है, मैनिया नाम की बीमारी है। वे कौन से लक्षण है? तो नंबर 1 है टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, ये कि बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसके बातों में बहुत प्रेशर रहता है। जैसे उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा जोर से बोलता है, फास्ट बोलता है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोलता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। इतना ज़्यादा बोलेगा कि अपने को उसको रुकाना पड़ता है कि रुक जा, बहुत हो गया बोलना, तेरा कंटिन्यूस बोलते ही रहे। फिर दूसरा लक्षण है नींद खराब। तेरे लोगों में पेशेंट में नींद नहीं आती इनको, और इसके खास लक्षण है कि 2 या 3 घंटे ही लोग ये सोते हैं और या उससे भी कम, और उसके बावजूद भी ये बहुत फ्रेश दिखाई देते हैं। जरूरी कहते हैं 2-3 घंटे सिर्फ नींद हो गई तो आंखों के ऊपर ऐसा नींद आती है या आलस दिखता है, ये बहुत ही फ्रेश दिखाई देता है, उनका चेहरा फ्रेश दिखाई देता है और उनको लगता है कि भाई बिल्कुल ये फ्रेश उठ के आएगा, ऐसा लगता है। फिर तीसरा लक्षण है इसमें ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस मतलब बहुत बड़ा, ऐसा बहुत बड़ा आदमी खुद को समझता है, सोचता है कि मैं आमदार हूँ या मैं खासदार हूँ या उसका इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत पावर है, और उसको बहुत खुशी रहती है, उसमें बहुत खुश रहता है, वो इतना खुश रहता है और बहुत ग्रैंडियोसिटी रहती है उसकी, ग्रैंडियोस आइडिया, उसके बहुत जो कल्पना शक्ति वो भी बहुत बड़े 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 विचार उनकी रहती है। नंबर 4 जो है वो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्ट्रैक्ट होना, इसका मतलब कोई भी काम पूरा ना करना, मतलब ये काम से वो काम, वो काम से वो काम, वो काम से वो काम, एक जगह बैठेगा नहीं, एक कोई भी काम पूरा करेगा नहीं, एक बात चल रही है उसके ऊपर भी वो पूरा फोकस नहीं करेगा, वो बात से मतलब और कोई बात करना चालू करेगा तो डिस्ट्रैक्ट होते जाता है, उसका अटेंशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे रहता नहीं। फिर 5वां जो है वो इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। इसका मतलब जो खुशी देने वाली जो एक्टिविटीज है इसमें बहुत ही उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसा समझो खाना आदमी बहुत कंजूस है तो वो बहुत दान करना चालू करेगा, कार खरीद लेगा, कार होंगी तो बहुत महंगी बड़ी कार लेके आएगा, या बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, लोगों को पार्टी देगा, ज़्यादा स्मोकिंग करना चालू करेगा, शराब पीना चालू करेगा और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा। ये लोग बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, मतलब ऐसा है कि ये कभी जाके बहुत बड़ा माल खरीद लेंगे, बहुत बड़ा सौदा कर लेंगे और उसमें उनको बहुत मजा आती है और उनको लगता है कि अपन तो फटाफट कर लेंगे तो पैसे दे देंगे। फिर घर वालों को बहुत दिक्कत आती है कि अभी यहाँ ये पैसे कैसे चुकाना। नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी, मतलब इनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हो और इतनी मतलब इतना काम कि जो है वो मतलब इतना ओवर एक्टिव रहते हो और ये सब होने के बावजूद वो थकते नहीं, कोई थकान दिखती नहीं इनके चेहरे के ऊपर। बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाना और बिल्कुल थकान आपको दिखेंगी। तो ये 6वां। फिर 7वां जो है वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज इसका मतलब यह है कि उनके आइडिया जो है ना वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक बोलेंगे फिर वहां से दूसरा शब्द बोलेंगे, दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, वहां से चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा एक जगह से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसा चल रहेगा उनका। ऐसा वो अभी चल रहा है, समझो ऐसी बात बोलेंगे वो कि मैं नरेंद्र मोदी साहब से कल ही बात मिला था, वैसे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जो मुख्यमंत्री है फडणवीस, इनके साथ में बहुत ही बार मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे होते हैं मगर अभी हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा है। अच्छा, मंत्री तो बहुत होते हैं मगर हमारा जो मंत्री है हमारे गांव का, हमारे शहर का जो पालक मंत्री है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। एक अच्छा आमदार बन सकता है मगर आमदार तो ऐसा है कि आमदार तो वो इलेक्शन के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं मगर कुछ ही लोग चुन के आते, क्योंकि अच्छे लोग चुन के नहीं आते और उसमें भी बहुत बुरे लोग चुन के आते हैं, क्योंकि चुनना जो है वो लोगों के हाथ में है। मतलब ऐसा कंटिन्यूस वो कहाँ के कहाँ एक तरीके आइडिया एक जगह से लेकर दूसरी जगह ऐसा घुमाते जाएंगे और फ्लाइट मतलब उड़ान होते जाएंगे एक विषय से लेकर दूसरे विषय तक ऐसा होता जाता है और उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहती है। ये जो है ये यूजली मैनिया जो है इसमें ये लोगों के साथ में काम करने में अपने मजा आता है, इनके साथ में बात करने में मजा आता है और हम एंजॉय कर सकते हैं, इनके साथ में बात करना बहुत मजा आता है। मतलब वो बहुत खुश रहते हैं, जोक्स काटते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं, उनके आइडियाज बहुत बड़ी बड़ी रहती है और उनको थोड़ा भी ऐसा कुछ टॉपिक दे दिया तो बड़ी बात करेंगे। तो साइकेट्रिस्ट करके या कोई भी व्यक्ति इनका में बहुत मजा आया कि वो लोग चिड़चिड़े होते हैं, मतलब उनको उनके मन जैसा किया नहीं तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आता है और उनके मन के खिलाफ उनको कोई किसने अपोज कर दिया तो वो मारपीट करेगा, ठोकेगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि उनको चलता नहीं, किसी ने भी विरोध किया चलता नहीं। और फिर विरोध किसने करना नहीं, इनको जो लगता है वो हमने करना है और फिर जैसा मन चाहे वैसा करना है, घर के बाहर रहना है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना। ये लोग सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम फिर आ सकता है, अफेयर भी कर लेंगे। तो ऐसा इतना प्रॉब्लम रहता है कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। 3 से 6 महीने तक ये बीमारी चल सकती है। इसका इलाज यदि नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो फिर लोग मेरा अच्छा देखते नहीं है और लोग मेरा अच्छा चाहते नहीं है, हुआ तो फिर कुछ लोगों लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि लोग मेरा पीछा करें, मेरे को मार डालेंगे, तो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते लोग। ये कभी लोग मैनिया जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब मैनिया होते 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 ऐसा हो जाता है एक स्टेज तो खराब वो फटाक से एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा या नैराशा में चले जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, फिर वो अलग बीमारी खराब होती है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसमें मेडिसिन अच्छी मेडिसिन है कि जो मेडिसिन से ये जो मूड जो हाई हो गया है ये मूड हाई का नॉर्मल लेवल पे लाना संभव है। अच्छी मेडिसिन है कि मेडिसिन देने से 2-3 दिन में 4 दिन में मूड अच्छा लेवल पे आ सकता है। उनको सुलाना पड़ता है, अच्छी नींद, उनका मूड स्टेबल करना, नींद अच्छी रहना, उनका खाना पीना देखना, ये समझो ऐसा किया पूरा तो ये जल्दी अच्छे हो जाते हैं। बहुत ही यदि वायलेंट है, बहुत अनकंट्रोल है तो फिर कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ता है, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यूजली ये लोग अच्छे हो जाते हैं और फिर अच्छे होने में इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना नॉर्मल मूड आता है कि अपने को पहचानने भी नहीं आएगा कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ था। आपके आसपास में ऐसे कुछ काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, उनको मालूम नहीं होगा कि ये बीमारी है। हमारा जो मिशन है वो है हेल्दी इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति भारत। आपका भी हाथ उसमें लगने दो। आपके आसपास में काफ़ी लोग होंगे जिनको ये वीडियो से फायदा होगा, तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।